राज्य ज्ञान विज्ञान समिति ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर आज शिमला के बचत भवन में नशे के संकट से युवाओं को बचाओ विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में युवाओं व शिक्षाविदों सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में नशे के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और कहा कि इसकी रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि बढ़ते नशे पर लगाम लगाने के लिए प्रभावी कानून में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है और इस दिशा में विचार किया जाएगा। उन्होंने नशे की विकराल समस्या के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस के साथ कार्य करने पर बल दिया। रोहित ठाकुर ने प्रदेश में सिंथेटिक ड्रग के मामलों में हो रही बढ़ोतरी पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के दौरान नशे के खात्मे के लिए मिले सुझावों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। ड्रग मैं समझता हूँ उसमें भी बहुत केसेस में बढ़ोतरी हुई है। इन सभी बातों को लेकर अपनी चिंताएं सभी जो हमारे यहाँ पर समझता हूँ सभी इन्होंने ये हमारा कन्वेंशन जो आज की मीटिंग अटेंड की है सबने अपने यहाँ पर सार्थक सुझाव दिए हैं और निश्चित रूप में इनका डिटेल में सारी बातों को लेकर जो हमारे सुझाव है रिकमेंडेशन है माननीय मुख्यमंत्री से शीघ्र हमारे ज्ञान विज्ञान समिति के जो हमारे पदाधिकारी है और मैं स्वयं भी साथ जाऊंगा। ये सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ देश के लिए जो टॉप प्रायोरिटीज है उसमें विशेषकर हमारा प्रदेश नशे से दूर हो और इसमें समझता मजबूती के साथ सरकार कार्य करेगी और हम अपने सुझाव लेके माननीय सीएम साहब के पास जाएंगे